देश का सबसे बड़ा सूबा और दावा सुरक्षा का, अच्छा माहौल देने का, कोशिशें तो बहुत की जा रही हैं, लेकिन हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है ये कोई नहीं जानता। लेकिन साल 2017 के बाद लगा मानो सब ठीक हो जाएगा, अपराध पर लगाम लगेगी, लेकिन अफसोस ऐसा ना हो सका। आम जनता की सुरक्षा की गारंटी तो खैर छोड़िए, कोई लेने को तैयार नहीं है, लेकिन जनाब यहाँ तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ही खतरे में है। जी हाँ, सही सुना आपने, और ऐसा पहली बार नहीं है। उत्तर प्रदेश में पत्रकारों की हत्या और धमकियों की खबरें लगातार सामने आती हैं, और अब खबर आई है प्रतापगढ़ से, जहाँ संदिग्ध परिस्थितियों में एक बड़े चैनल के पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की मौत हो गई। बताया जा रहा है लालगंज से मुख्यालय आते समय यह हादसा हुआ, जब वो एटीएस द्वारा असलाह फैक्ट्री पर कार्रवाई की खबर करके वापस आ रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और नगर कोतवाली के वाराणसी लखनऊ हाईवे पर सुखपाल नगर के पास सुलभ श्रीवास्तव अर्धनंग अवस्था में पाए गए। चेहरे और सिर पर गंभीर चोटें लगी थी। फिलहाल शुरुआती जांच में पुलिस सुलभ श्रीवास्तव की मौत को दुर्घटना बता रही है। एडिशनल एसपी पूर्वी सुरेंद्र द्विवेदी ने बताया घटना स्थल का निरीक्षण किया गया है, पहले देखने पर यह दुर्घटना लग रही है। फिलहाल पुलिस की विस्तृत जांच के बाद ही सुलभ श्रीवास्तव की मौत का सही कारण स्पष्ट हो पाएगा। दिनांक 13/6/2021 को रात्रि 10:11 के बीच सुलभ श्रीवास्तव एबीपी न्यूज के सम्मानित पत्रकार हैं। वह लालगंज से मीडिया कवरेज कर प्रतापगढ़ की ओर वापस आ रहे थे। कटरा चौराहे के पास में स्थित ईंट के भट्ठे के पास मोटरसाइकिल से गिरकर घायल हो गए थे। वहां पर मौजूद मजदूरों द्वारा उन्हें उठाकर किनारे किया गया और उनके मोबाइल फोन में मौजूद कॉन्टैक्ट लिस्ट के आधार पर संबंधित को सूचित करते हुए एम्बुलेंस को भी बुलवाया गया था और एम्बुलेंस से वह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचे, जहां डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। उसके पश्चात पुलिस स्थानीय पुलिस टीम एवं मैं एवं सीओ सिटी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि वह मोटरसाइकिल से अकेले आ रहे थे और सड़क के किनारे मौजूद खंभा और हैंडपंप जिससे टकराकर मृत्यु होना पाया गया है। घटना के संबंध में अन्य विभिन्न पहलुओं के बारे में गहराई से जांच की जा रही है और अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सुलभ श्रीवास्तव की जिले के तेज पत्रकारों में गिनती की जाती थी। कुछ दिनों पहले प्रतापगढ़ में शराब माफियाओं के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा अभियान चलाया था, जिसका मीडिया ने बड़े लेवल पर कवरेज भी किया था। सुलभ श्रीवास्तव भी चैनल के लिए बड़ी खबरें चलाते थे शराब माफियाओं के खिलाफ, जिस पर उन्हें कई जगहों से धमकी भी मिली थी, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस के उच्च अधिकारियों से की थी और अपनी सुरक्षा की मांग की थी। सुलभ श्रीवास्तव को स्थानीय लोगों ने जब घायल अवस्था में देखा, तब उन्हीं के मोबाइल से मीडिया के साथियों को सूचित किया गया, जिस पर उन्हें सभी लोगों के सहयोग से जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर परिजनों में हड़कंप मच गया, कोहराम मच गया, चीख पुकार मच गई। सुलभ अपने पीछे पत्नी सहित एक बेटा और एक बेटी छोड़ गए। बता दें कि सुलभ ने बीती 12 तारीख को एडीजी और एसपी को पत्र लिखकर जिले में शराब माफियाओं के खिलाफ खबर चलाने के लिए जानमाल की सुरक्षा के बाबत पत्र लिखा था। तो अब सोचिए कि उन्हें सुरक्षा क्यों नहीं दी गई। एक पत्रकार जान जोखिम में डालकर सारी खबरें दिखाता है, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए समय पर संज्ञान नहीं लिया जाता और फिर उसके बाद इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, जिन्हें कुछ दिन तो हरकत में पुलिस आती है, लेकिन उसके बाद सिर्फ महज हादसा बता दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।